दोस्तों, क्या आज का विज्ञान इतना सक्षम है कि वो भगवान को खोज सके? ये विषय गंभीर है। कुछ के लिए तो भगवान का अस्तित्व ही काल्पनिक हो सकता है, पर वास्तव में ये क्या है, यही समझना बहुत मुश्किल है। हर धर्म का आधार भगवान है, जिसे वो कई नामों से जानते हैं, पर एक बात समान है कि भगवान हर धर्म में वह शक्ति है या वह परम पुरुष है जो हम जैसे मानवों और धरती पर पाई जाने वाली हर चीज का स्वामी है। इसीलिए हम सब उसकी पूजा करते हैं। सनातन धर्म में भगवान की अवधारणा बहुत गहरी है। कण कण में भगवान को माना जाता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि भगवान वही है जो हर कण में व्याप्त है। इस भौतिक संसार में सबसे छोटा कण है परमाणु। हालांकि उससे भी छोटे कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पर कणों की सूक्ष्मता की कोई सीमा नहीं है। हर कण में भगवान का अस्तित्व है। इसीलिए तो जब प्रह्लाद से उनके पिता ने कहा कि क्या इस महल के खंभे में भी तुम्हारे भगवान हैं, तो प्रह्लाद जी ने इसका उत्तर बड़े ही आत्मविश्वास से दिया और उसके बाद खंभे में से भगवान साक्षात प्रकट हुए थे। विज्ञान की दृष्टि भौतिकी के नियमों से बंधी रहती है, तभी तो वो हर चीज को इन्हीं नियमों से परख कर ही अध्ययन करते हैं। ये बात अलग है कि अभी विज्ञान बहुत कम विकसित है, पर फिर भी हमें इतनी समझ तो है कि हम भगवान से मिलने का विचार कर ही सकते हैं। करीब कुछ 500 वर्षों पहले ही शायद आधुनिक विज्ञान ने जन्म लिया होगा, पर हमारा विश्वास इस कदर है कि हम ब्रह्मांड को बनाने वाली शक्ति के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म ग्रंथों की माने तो भगवान के पास जाने का रास्ता बहुत ही कठिन है, या तो ज्ञान और योग के द्वारा और या तो हम भक्ति के मार्ग से उन तक पहुंच सकते हैं। पर दोनों ही मार्गों में हमें खुद भगवान की बनाई ये माया से भरी दुनिया के अस्तित्व को नकारना होगा। योग वशिष्ठ में इस बात का जिक्र है कि ये संसार सपने की तरह ही है और आप इसमें स्वप्न ही देख रहे हैं। जिस दिन नींद टूटेगी, उसी दिन इस माया रूपी संसार से आपका मोह खत्म हो जाएगा और सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। ये मार्ग आपको बहुत कठिन लग सकता है, क्योंकि ना तो इस मार्ग के वर्णन करने वाला कोई है और ना ही कोई माया को काटकर इस मार्ग तक पहुंच सकता है। अध्यात्म की राह पर तो कठिनाई ही कठिनाई है, पर विज्ञान इसके लिए कुछ कर सकता है?